साथ। मेरा नाम सुरेंद्र जैन, भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में हूँ। इस शानदार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ और 2005 से मैं इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगातार आपके बीच में हूँ और अभी एमराल्ड लेवल पर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। जिस लेवल पर हूँ मैं उस पर्टिकुलर लेवल को जिस ब्रांड के साथ जीता हूँ उस ब्रांड का नाम है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस यानी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। जी हाँ, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की उस कंपनी के साथ हूँ जिस कंपनी ने हिंदुस्तान में 20 साल से एक छत्र राज किया और आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के साथ नंबर वन पर वो काम कर रही है। मैं उस सिस्टम के साथ आपके बीच में हूँ और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं उन तमाम साथियों का आह्वान कर रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ तो गए हैं, माइंड सेट किया था कि बड़े बड़े सपने लेके आए थे, कुछ करेंगे, बड़ा बनेंगे, लेकिन वो क्या तीन विशेष कारण हैं जो मेरे इस इंडस्ट्री में मेरे अनुभव के आधार पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वो तीन कारण अगर हमने समझ लिए और वो तीन कारणों को अगर हमने अपने जीवन में से निकाल दिया तो सुरेंद्र जैन गारंटे आपको ब्लैंक कोर्ट पेपर पे लिख कर देने को तैयार है। आप जिस डिमांड, जिस पिन की आप डिमांड करोगे वो पिन आपके चरणों में होगी, वो आपके सीने पर वो सिंबल आपका लगा हुआ होगा। अगर ये तीन कारण आपने जिंदगी में से निकाल दिए, इस जीवन में से निकाल दिए, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी ब्रांड की पहचान बनानी है, अपने आप को कुछ बड़ा करना है, कुछ इशारे ऐसे जा रहे हैं आने वाले समय के हिसाब से कि अब ये इंडस्ट्री हमारे लिए तैयार हो चुकी है, हमने जो संघर्ष किया, जो परेशानियां देखी, जो भी हमने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के माध्यम से, अपने भारतीय साथियों के माध्यम से जो हमने हमारे लिए पागल जैसे शब्द भी सुने, जी हाँ, उसकी अब हमें कीमत मिलने को तैयारी हो चुकी है। बस शर्त है वो तीन चीजें जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, उन तीन चीजों को अगर आपने अपने जीवन में, आपने अपने उस जीवन में से निकाल दिया तो यकीन मानिएगा दोस्तों, ये तीनों चीजें आपके जीवन में बहुत बड़ी गहराई से, आप अगर वापस इसको पॉजिटिव वे में लेकर के और एक्शन प्लान में ले आते हैं तो सुरेंद्र जैन दावा करता है और विश्वास के साथ बात करता है कि आप जिस पिन की चाहत दिल में लेकर आए हो, जिस ड्रीम को लेकर इस इंडस्ट्री में आए हो, वो ड्रीम आपका 1001% पूरा होने की 100% संभावना है। क्या आप लोग तैयार हैं वो तीन बातें समझाने के लिए कि वो ऐसी क्या तीन बातें हैं, वो ऐसा क्या हमारा माइंड सेट किया हुआ है, वो तीन ऐसी बातें हैं जो हमें कामयाबी के कदम पर जाने से रोक देती है। जानना चाहते हैं? जी हाँ, तो मैं लिए चलता हूं आपको उन तीन बातों की तरफ। बात बहुत साधारण होगी लेकिन वाकई में आज मैं दिल पर चोट करने के लिए आया हूं और दिमाग को हिला कर रखने के लिए आया हूं। मां कसम, आज रात आपको नींद नहीं आएगी। वो ऐसी तीन बातें हैं और आप अगर आज आपने यहाँ से इस लाइव वेबिनार से अगर आपने इस मिशन को समझ लिया, इन तीन बातों को समझ करके दिमाग से अभी के अभी मेरी सेमिनार खत्म होने के बाद डिलीट करके और बाकी आगे का जो एक्शन प्लान बनाना है उस पर आप लग गए तो दावा करता है सुरेंद्र जैन, आपकी कामयाबी की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आइए मैं लिए चलता हूं तीन बातों में। बात नंबर वन, आप अपनी पुरानी मान्यताओं अथवा धारणाओं और अनुभव के आधार पर इसको शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही होगी कुछ साथियों? स्टार्टिंग इट बेस्ड ऑन यूर ओल्ड बिलीव्स और प्रिसेप्शंस एंड एक्सपीरियंस। हम क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में, किसी न किसी के माध्यम से हम लोग आते हैं। हम आते तो हैं, जैसे सपोज के मामा का लड़का आ गया उसने ज्वाइन करा दिया, ताऊ आ गया उसने ज्वाइन करा दिया, बाप साला आ गया उसने ज्वाइन करा दिया, फूफा का फोन आ गया उसने ज्वाइन करा दिया। ऑब्लिगेशन में ज्वाइनिंग तो हम ले लेते हैं, खरीदारी भी एक दो बार हम कर लेंगे, फोन आ रहा बार बार चलो खरीदारी कर लेंगे, लेकिन कभी गलती से किसी बड़े सेमिनार में किसी बड़े लीडर के माध्यम से या कोई ऐसा वीडियो आपके पास पहुंच गया गलती से और उसको सुन लिया और वहां से आपका कोई ड्रीम जगा, वो ड्रीम जगा, उस ड्रीम से अगर आपने इसमें थोड़ा सा काम करना शुरू किया, लेकिन गलती आप यहाँ क्या करते हैं, उस ड्रीम को आप अपनी पुरानी का काम करने की जो आदतें हैं उन आदतों के हिसाब से आप इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक चाट पकौड़ी बनाने वाला व्यक्ति इस इंडस्ट्री में साइन अप करता है बड़े विजन के साथ कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा, अपनी खुद की पहचान करूंगा लेके, मैं अपने ब्रांड को, खुद के नाम को या सिक्योरिटी के लिए मैं काम करना चाहता हूं। लेकिन वो सोचता क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी सोच चाट पकौड़ी की दुकान पे जिस तरह से कस्टमर आता है और उसकी चाट पकौड़ी खाता है, 100, 10, 20, 50, 100 रुपए उसको देता है, उसकी सोच 100 रुपए जितनी ही इस इंडस्ट्री में नजर आएगी दोस्त।
वो पुरानी मान्यता उसके दिमाग में वो लोक है कि मैं जो कर रहा हूं इससे ज्यादा ये इंडस्ट्री नहीं दे सकती। और यही वो बड़ी गलती करता है कि उसने इस इंडस्ट्री में आ तो गया, आने का फैसला तो ले लिया, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदला, पुरानी मान्यताओं को नहीं बदला, पुरानी धारणाओं को नहीं बदला, पुराने अनुभव के आधार पर उसने वो काम कर डाले जो इस इंडस्ट्री में नहीं करने थे। एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट जॉब में है, किसी बड़े प्रोफेशन में है, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, मान लीजिए 20 करोड़ का उसका कोई इंडस्ट्री चल रहा है और सालाना उसका टर्नओवर 100-200 करोड़ का होगा। उसकी धारणा क्या है कि 100 करोड़ 200 करोड़ के सालाना टर्नओवर के सामने ये इंडस्ट्री मेरी छोटी है। वो उस धारणाओं से, उस मान्यताओं से, उस अनुभव से इस इंडस्ट्री की वैल्यू उससे छोटी आग लेता। मैं दोनों एग्जांपल देना चाह रहा हूं, एक छोटी सोच का और एक उस सोच का जो इस इंडस्ट्री में उससे 200 करोड़ से 2000 करोड़ के टर्नओवर पर ले जा सकती है, लेकिन वो सोच नहीं पाता क्योंकि उसको वो 200 करोड़ का माइंड लॉक किया हुआ है, इस वजह से वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होता है। और उसी अनुभव के आधार पर इसमें काम करना शुरू करता है। दोस्तों, काम क्या करना होता है, सेल्स करनी होती है, प्रोडक्ट को बेचना होता है, और हम केवल मार्केटिंग का काम करते हैं माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से। प्रोडक्ट तो बिकेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इस प्रोडक्ट को खरीदने से। जिसके घर में एक बार चला गया, मां कसम दूसरी बार वो प्रोडक्ट वापस ढूंढता ढूंढता आएगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट का पावर है। वो आपको प्रोडक्ट एक बार प्रमोट करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, लेकिन गलती करते हैं हम, अपने अनुभव, पुराने अनुभवों को इस इंडस्ट्री में डाल देते हैं और हम यही फेल हो जाते हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, मेरा तो चला नहीं, मेरे तो आता नहीं, मेरे बैंक में कुछ नहीं आया। अरे ये सारे बहाने आप किसको सुना रहे हो? आप इस बिजनेस में खुद सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आप खड़े हो रहे हो सर। आप इस चीज को महसूस करिए, आप इस बिजनेस के खुद मालिक हैं, आपका अपना बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर आपने खुद ने बनाया है तो खुद ही बिगाड़ोगे, दूसरे की किसी की ताकत नहीं को बिगाड़ दे। बस हम यही एक बड़ी गलती करते हैं कि पुरानी धारणाओं, पुरानी मान्यताओं और पुराने अनुभव के आधार पर हम इस इंडस्ट्री में अपने काम को करने लग जाते हैं। अरे किसान आदमी, एक किसान व्यक्ति, कोई भी साथी यहाँ है तो बुरा मत मानिएगा, मैं उदाहरण के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी ये माइंड हमारा कहाँ लॉक हो जाता है। आज मैं वो ताले खोल देना चाहता हूँ, मैं वो माइंड सेट कर देना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि आप दुनिया में जितना बड़ा सोच सकते हो सोच लीजिए, ये आपको देने के लिए तैयार खड़ी है। बशर्ते ये 3 चीज आपके दिमाग से निकाल देनी है। पुराने अनुभव को हटा देना है, पुरानी धारणाओं को हटा देना है, पुरानी मान्यताओं को हटा देना है। आप कितने ही करोड़पति हो, कितने ही बड़े इंडस्ट्री के मालिक हो, टाइकोन हो, अंबानी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं तारे के साथ बात करता हूं, इस इंडस्ट्री की वैल्यू जिसने समझ ली वो अंबानी भी उसके सामने छोटा होता है। क्योंकि अंबानी को ट्रेडिशनल मार्केट में डीलर बनाने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करनी पड़ेगी, एजेंसी देनी पड़ेगी, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, रिटेलर्स बनाने पड़ेंगे, सेल्स के आदमी रखने पड़ेंगे। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, खुद अपने बिजनेस के मालिक हो, जितना चाहो बोलो, जितना चाहो बेचो। अरे नेटवर्क की पावर देखो, एक व्यक्ति अगर 2 करोड़ लोग खड़े कर सकता है मिस्टर टीसी छाबड़ा साहब, तो क्या हमारी औकात नहीं है कि हम 2 लाख खड़े कर सकते हैं? 2 लाख लोगों की नेटवर्क की कैलकुलेशन करके देख लो दोस्तों। आप, मैं एमराल्ड के साथ खड़ा हूँ, मेरी टीम 60-70 हजार लोगों की, मैं एमराल्ड पर हूँ, और 2 लाख लोगों की अगर आपकी टीम बन जाती है, बस शर्ते इन धारणाओं, मान्यताओं और अनुभव को हटा दे और उस टीम को कामयाब करने के लिए लग जाओ, मैं दावे के साथ बात करता हूँ आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये पहला माइंडसेट आपको करना होगा। माइंडसेट नंबर 2, अब इतना बोल रहा है, एक बार करके देख लेते हैं। ये सारा जनरल बात कर रहा हूं मैं, ये सारी घटनाएं होती है। साला 15 दिन से फोन कर रहा है, चलो साला इसके प्रिंट छुड़ाए, एक बार करके देख लेते हैं। ज्वाइनिंग मार देता है, लॉगिन हो जाता है, नंबर आ जाता है, और उस नंबर आने के बाद फोन मारना पड़ता है कि तेरा नंबर आ गया, तू 2-3 हजार की सामान की खरीदारी कर ले। अब वहां जाके खरीदारी करने के लिए क्या, वो चल तू इतना बोल रहा है, चल एक बार आज खरीदारी कर ले। पर दोस्त,
इस चीज को आप ये गहराई से समझ लेना आज, अगर वो इतना बोल रहा है तो उस परमपिता परमात्मा की मर्जी है, इसलिए वो आपके लिए बोल रहा है कि कर ले। उसकी शक्ति उसके साथ जुड़ी है, वो ओरा बनाया उसने अपने आसपास, इस व्यक्ति की कामयाबी तेरे हाथों से लिखी है, इसलिए वो बोल रहा है। लेकिन हम उसको गलत नजरिए से देखते हैं कि ये साला रोज फोन करता है, जब देखो घंटी मार देता है, घर पे आ जाता है, सुबह 5 बजे फोन कर देता है, रात को 11 बजे फोन कर देता है, साले का पिंड छुड़ाओ। और यही धारणा, यही माइंडसेट उसकी कामयाबी में खुद ब्रेकर बना के खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है तेरे कहने से जुड़ा था, कुछ आता तो है नहीं। अरे भाई किया क्या है तूने, शटर ऊंचा करके बैठ जा, ग्राहक आया है तो बोल दे तेरी इच्छा हो जो ले जा, मैं तो नहीं उठूंगा कुर्सी से, क्या आपका धंधा चलेगा? नहीं, अगर वो एक ग्राहक भी आता है वो 5500 साड़ियां दुकानदार को, एक साड़ी की दुकान में अगर एक लेडीज जाती है 5500 साड़ियां बिखेरनी पड़ती है, फिर भी वो दुकानदार, वो सेल्समैन वो साड़ियों को ये नहीं बोलता है कि मैडम आपको लेना है कि नहीं लेना है, और 51वीं साड़ी बिखेरने की कोशिश करता है और सोचता है शायद ये पसंद आ जाए। और होता यही है दोस्त, जब वो 51वीं साड़ी बिखेरता है और वो 51वीं साड़ी उसकी बिकी हुई साड़ी होती है और उसी में सारा 50 साड़ियों की मेहनत वसूल हो जाती है। हम यह क्या करते हैं, एक बार घंटी मारी, दो बार घंटी मारी, चार बार घंटी मारी, फोन नहीं उठाया, बेटर क्लोज, खत्म। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को आपने झटके में खत्म कर दिया। मैं ये सारी बातें फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूं। एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तब से लेकर 20 साल तक अगर वो आपके साथ लगातार काम करता है दोस्तों, 1 करोड़ का टर्नओवर वो अपने टीम के माध्यम से टोटल निकाल कर आपको देता है। और आपने सिर्फ एक चंद फोन नहीं उठाने की वजह से या कोई आर्गुमेंट कर देने की वजह से आपने उस व्यक्ति को खत्म कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया, और वो इतना बोल देता है कि तूने बोला इसलिए किया, उस वजह से आप नाराज हो गए। अरे एक सेल्समैन को देखो साड़ी की दुकान पर, उसको साड़ी पहन करके बतानी पड़ती है, एक आदमी होके औरत बन के दिखाना पड़ता है कि साड़ी का डिजाइन ऐसा लगेगा पहनने के बाद, वो वहां नहीं शर्माता, और आप एक व्यक्ति के बोल देने से घबरा जाते हो। अरे 1 करोड़ रुपए का बिजनेस वॉल्यूम आपको आता 45% वापस बढ़ता है, कैलकुलेशन करके देखिए सर, 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का 45%, अगर बिजनेस माइंड है तो लगाओ, और नहीं है तो अप्लाइंग जो कहती है वो करने लग जाओ, बिंदास होके करिए, ये माइंड को खाली कर दीजिए। ये 3 माइंड सेट आज आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें दूसरा नंबर है। अब इतना बोल रहा है तो एक बार करके देख लेते हैं, इस धारणा को आपको बदलना होगा। अगर उसने इतना बोला है तो उस परमपिता परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड जिसको भी आप मानते हैं अदृश्य शक्ति, उसकी मर्जी की वजह से वो आपको बोल रहा है, और उसका अगर आप रिगार्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उस परमपिता परमात्मा को जवाब आपको देना है, उस बोलने वाले को नहीं देना है। वो आप नहीं करेंगे, किसी और को संभाल लेगा, किसी और को पकड़ लेगा, और उस व्यक्ति के साथ काम करके वो अपनी कामयाबी तो ढूंढ लेगा, लेकिन शर्त है आपकी कामयाबी कहां से आएगी। तो इस दूसरी धारणा को बदलना होगा। अगर उसने बोला है उस परमपिता परमात्मा, मैं उसको बहुत फॉलो करता हूं, अदृश्य शक्ति है, हम नहीं देखा है लेकिन मैं उस अदृश्य शक्ति को बहुत मानता हूं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये फैक्ट है, इसको समझना होगा गहराई से। और ये व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है तो इसके पीछे कोई साइंस है उस अदृश्य शक्ति की, इसलिए वो आपको कामयाब करना चाहता है कि आपकी तकलीफों को परमात्मा ने अब हरी झंडी दे दी है कि खत्म करो, अब इसको रेड सिग्नल को खत्म करो और हरी झंडी दिखाओ और इसको कामयाब करना है, तू जा तेरे माध्यम से वो कामयाब होगा। क्योंकि सुना है कि मृत्यु भी आती है तो किसी बहाने से आती है, डायरेक्ट नहीं आती है, इसी तरह कामयाबी भी आती है तो किसी न किसी के माध्यम से आती है, डायरेक्ट नहीं आती है। दोस्तों इस धारणा को बदलना होगा, माइंड सेट करना होगा कि अगर किसी ने मुझे बोला है और अगर मुझे बार बार बोल रहा है, मतलब वो कोई ना कोई विशेष तैयारी है और मुझे इसको कर लेना चाहिए। माइंड सेट कीजिएगा, माइंड सेट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये मेरे पर्सनल 2005 से 2020 15 साल के डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव के आधार पर वो 3 बातें आपसे करने जा रहा हूं कि ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अगर इन 3 बातों को दिमाग से आपने निकाल दिया तो कितना बड़ा कामयाबी का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना बड़ा आप बैंक अकाउंट में 0 बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कामयाबी खुद के दम पर आएगी, खैरात में नहीं मिलती है। और ये डायरेक्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आह्वान करती है, आइए आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है, शक्ति है, आपकी ताकत है, आप यहां लगाइए, आपको मैं देने को तैयार हूं।
माइंडसेट नंबर तीन, प्लान बी। ये साला सबसे बड़ा मामला है, ये मैं इसको परमाणु बम बोलता हूं साहब मेरी भाषा में। आदमी ज्वाइन करता है आरसीएम, लेकिन आदमी सोचता क्या माइंड में, अच्छा चलो सुरेंद्र जी ने बोला है, चलो एक बार ज्वाइन करके देख लेते हैं, चलेगा तो ठीक, नहीं तो अपने वाला। तो ये हो गया प्लान बी। आरसीएम को प्लान बी मान के किया जा रहा है। मैं जब आजकल किन साथियों से मैं बात करता हूं ना, जिन बातों में जो सारांश निकल के आता है वो सारांश ऐसा ही है, सर जी कर रहे हैं ना, रॉयल्टी आ जाएगी तो ठीक, नहीं तो अपना। तो ये अपना तो जो शब्द है ना, यही आपके लिए घातक साबित हो रहा है। मेरे जैसे देखिए, 31 दिसंबर 2004 को मैंने आरसीएम ज्वाइन किया दोस्तों, और 1 जनवरी 2005 को मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। 1 जनवरी, मैंने एक दिन भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरी जमी जमाई नौकरी, मेरी 17 साल की जो मेरी जॉब थी उसका क्या होगा। मैंने बीइंग ए कैरियर इसको पकड़ लिया, ड्रीम बना लिया कि जब साला 18 घंटे किसी और के यहां मैं अपना टाइम देश के 8,000 रुपए कमाता हूं, तो वो 18 घंटे मैं मेरे खुद के लिए काम करूंगा, साला 8,000 नहीं 80,000 रुपए आएंगे। और आज वही हो रहा है। इन 15 सालों में मैंने बिना किसी प्लान बी के सोच के इसको प्लान ए में कन्वर्ट कर दिया कि मेरा यही है, आखिरी दम तक, मरते दम तक। हजारों कंपनियों के फोन मेरे पास आते हैं, लोग बोलते हैं सर इस कंपनी को छोड़ो, वो ज्वाइन कर लो, लेकिन एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। पत्नी अब अलग हो सकती है, डेथ होने के बाद दूसरी शादी कर सकते हो दोस्त, लेकिन एक मिस्टर सपन अग्रवाल जी ने जो बोला, मैं उसको समर्थन देता हूं, मां को कोई बदल नहीं सकता। और आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इंडिया में, हिंदुस्तान में मां है जिसने हजारों बच्चों को जन्म दिया है। एक बच्चा मां की बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और ये लोग जो प्लान बी लेकर अभी भी आरसीएम को कर रहे हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं और साथ में चेतावनी भी देता हूं। मैं आह्वान ये करता हूं, इसको प्लान बी की जगह अभी प्लान ए कर ले। अगर कोई मेरी बात को रिकॉर्ड भी करना चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है, प्लान बी को प्लान ए कर ले और इस मिशन को मिशन बना के लग जाए। जैसे एक फौजी लगता है बॉर्डर पे, दिन रात लगा रहता है, -30 डिग्री टेम्परेचर पर भी वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता है, उसको अपना देश प्यारा होता है, देशवासी प्यारे होते हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालता है, परिवार को जोखिम में डालकर वो बॉर्डर पे लगा रहता है। अगर आपने इसको प्लान ए बना लिया, कसम खुदा की ये आपकी जिंदगी और तकदीर और तस्वीर बदल देगा। लेकिन हमारी सोच में प्लान बी रहता है पहले, चलो इतना बोला है चलो कर लेते हैं, सामान खरीदना है खरीद लेंगे, 200-500 हजार रुपया बचेगा। उससे जितनी छोटी सोच आप लेके इस इंडस्ट्री में आते हो तो उतना छोटा ही आपको मिलता है। अगर आपकी सोच बड़ी बना ली, और जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो सर, जितना बड़ा सोच सकते हो। अरे मेरी औकात नहीं थी उस समय, मैंने इतना बड़ा सोचा साला 50 लाख रुपए का मकान बनाऊंगा। जिस समय औकात नहीं थी, 5,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी, उस समय मैंने 50 लाख रुपए का सपना सोचा और करके दिखाया इस इंडस्ट्री से। अधिकतर साथी जानते हैं, सपना सोचिए, बड़ा सोचिए और कर डालिए जुनून के साथ, पूरा जुनून ताकत जोग दीजिए। लेकिन ये प्लान बी वाला जो फॉर्मूला दिमाग में चलता है ना, इस वजह से आप फेल हो जाते हो और कामयाबी नहीं मिलती है। कितना बड़ा सोचना, सोचिए, लिख डालिए सपनों को, सपनों के आगे तारीख लिखिए, ये तारीख मेरी बर्थ डेट की जैसे सेरेमनी करनी होती है, हम एनिवर्सरी जैसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इस तारीख को ये सपना पूरा करके सेलिब्रेट करूंगा। बस लग जाइए उस सपने के पीछे। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि आपको रोक सके, क्योंकि वो सपना आपसे काम करवाएगा। लेकिन हम यह करते हैं, क्या है, हिंदुस्तान में जुगाड़ टेक्नोलॉजी ज्यादा चलती है, चलो प्लान बी के रूप में इसको ले लेते हैं। मैंने पिछले 4-6 महीनों से पार्ट टाइम बोलना बंद कर दिया। मैंने पहले बोला करता था कि आरसीएम बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है, लेकिन मुझे भविष्य पता चल गया, समझ में आने लग गया, आने वाला यूथ
हिंदुस्तान में बेरोजगारी जिस स्पीड से बढ़ रही है, अगर आने वाले यूथ को हमने ट्रैक पे नहीं लिया, वो दिशा भटक जाएगा, वो गलत ट्रैक पे चलेगा, वो आतंकवादी भी बन सकता है, वो लड़ाई झगड़े कर सकता है, वो चोरी चकारी कर सकता है, वो डाकू बन सकता है। अगर उसको ट्रैक पे नहीं लाए तो वो हिंदुस्तान को बर्बाद भी कर सकता है, परिवारों को बर्बाद कर सकता है। और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यूथ को वापस ट्रैक पे ला सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और तब से मैंने इसको फुल टाइम करने के लिए, करियर बनाने के लिए बोलना शुरू कर दिया है। फिर भी कुछ साथी अभी प्लान बी की तरह इसको कर रहे हैं। अगर ये प्लान बी की तरह जो कर रहे हैं, मैं उनसे आज आह्वान करता हूं, इस माइंडसेट को दिमाग से निकाल दीजिए। वर्तमान परिस्थितियां इसको प्लान ए पर लाने के लिए आपको मजबूर कर रही है। अगर आप 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, या 12 घंटे व्यापार कर रहे हैं, या 10 घंटे किसी प्रोफेशन में काम में लगे हुए हैं, जॉब में, मतलब उसमें पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, उस समय को आप इसमें डालिए और इसको प्लान ए बनाइए कि ये मेरी प्रायोरिटी है, इससे ही मेरा सब कुछ हो सकता है, इसके बिना मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन चलना मुश्किल है, असंभव है। आज की परिस्थितियां ऐसी बोल रही है। पिछले 1 महीने की ताकत बताता हूं आपको, 1 महीने में हिंदुस्तान की सरकार बोल चुकी है भारत के अंदर 17 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 17 करोड़। और मेरी नजर उन 17 करोड़ लोगों पर है। मैं उन लोगों को आह्वान करता हूं, आइए डायरेक्ट सेलिंग में। सुरेंद्र जैन आपका स्वागत करता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस बिजनेस में, इस एंटरप्रेन्योरशिप में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कामयाब करने के लिए दिन रात एक कर देगा, लेकिन आपको कामयाब करके रहेगा। आप बस माइंड सेट करिए कि यही एक इंडस्ट्री है जिससे मेरे परिवार का और मेरा सपना पूरा हो सकता है। इसको प्लान बी से हटा करके प्लान ए पर लाइए। क्या आप लोग तैयार हैं? जो भी तैयार है तो हैंड राइज करके मुझे बताएं कि यस आई रेडी, और चैट में यस लिख के बताएं कि यस ये तीनों माइंडसेट आज मैं करने के लिए तैयार हूं और मैं पूरा ताकत लगा सकता हूं, जुनून के साथ काम करता हूं। दोस्तों पसीना यहां से टपकता है और एडियो में जिस दिन पसीना आने लग जाए आप समझ लेना कामयाब हो जाओगे। मगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा ये आना शुरू होता है पसीना, थोड़ा सा तकलीफ आना शुरू होती है, थोड़ा सा दर्द बढ़ना शुरू होता है और उस दर्द को हम लोग छोड़ देते हैं कि साला इसमें तो तकलीफ है। सर तकलीफें कहां नहीं है मुझे बताइए। अगर आप एक लॉयर हैं, एक वकील हैं, क्या वहां तकलीफ नहीं है? अरे सर आपसे बड़ा लॉयर बैठा है, आपसे समझदार, आपसे ज्यादा ताकतवर, आपसे ज्यादा पैसे वाला, आपसे ज्यादा वो बैठा है, वो कंपटीशन आपको कर रहा है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपसे ज्यादा समझदार डॉक्टर बैठा है। अगर आप एक इंजीनियर है तो आपसे ज्यादा समझदार इंजीनियर बैठा है। अगर आप एक व्यापारी है तो आपसे ज्यादा समझदार, ज्यादा पैसे वाला व्यापारी बैठा हुआ है। अगर आप किसी नौकरी में है तो आपसे कम सैलरी में आने के लिए 5 आदमी तैयार बैठे हैं। दोस्तों कंपटीशन कहां नहीं है, दर्द कहां नहीं है, मुझे ये बताइए। आप अगर इन सारी तकलीफों को झेल करके भी आप लोग वहां पर जी जान से समय बेचने के लिए तैयार हो, और सर यहाँ आपकी ये इंडस्ट्री खुद के दम पर खड़े करने के लिए तैयारी कीजिए। आपको ये आह्वान करती है इंडस्ट्री, एक बार ये तीनों माइंडसेट दिमाग में सेट कीजिए। इन तीनों चीजों को आज से दिमाग में हटाता हूं और मैं पूरी ताकत से एक नई दुनिया बसाने के लिए आज से, अभी से, इसी वेबिनार के खत्म होने के बाद मैं प्रण करता हूं कि बस अब कामयाबी को लेकर के ही रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे न रोक पाई है न रोक पाएगी। अगर ये ताकत आपके अंदर विजन बनकर शुरू हो गई, माइंड सेट हो गया कि अब मैं कामयाब होकर रहूंगा, तो पूरी ताकत से सुरेंद्र जैन आपके साथ है। वेबिनार खत्म होने के बाद सुरेंद्र जैन को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर आई एम रेडी, मैं अगले 5 साल RCM के नाम करने को तैयार हूं। सुरेंद्र जैन गारंटेड उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसकी कामयाबी में पूरे दिन रात झोंक देगा, लेकिन उसको कामयाब करके रहेगा। ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, ये सुरेंद्र जैन खुले मन से पूरे ऑनलाइन पूरे इंडिया को एक साथ बात कर रहा है। बस 3 माइंडसेट आपको करने पड़ेंगे। मैंने 2005 से माइंडसेट किया था कि जो जो मेरी जिंदगी में नहीं है वो मैंने डायरी में सपने नोट किए, लिख डाले, और उन सपनों के पीछे मैं इतना पागल बन गया, मुझे मेरे परिवार ने पागल बोला, मेरे परिवार के साथी, मेरे गली मोहल्ले के साथी मुझे बोलने लग गए थे ये तो पागल हो गया, दीवाना हो गया, RCM का पागल जा रहा है, RCM का पागल आ रहा है। वही पागलपन जिस दिन लोगों को कामयाबी से नजर आया, लोग सैल्यूट करने लगे, सुरेंद्र जी बोलने लग गए, सर आइए ना हमें भी बताइए ना, क्योंकि पैसा बोलता है दोस्त, पैसा बोलता है। जिस समय जिस जगह आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में पैसा नहीं है, पड़ोसी तो छोड़ो, आपकी बीवी भी आपको सामने नहीं बोलेगी, मुंह फुला के बैठ जाएगी। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट फुल है, ATM 5-5 ATM पड़े हैं, तो दोस्तों कोई दुनिया की ताकत, आप कहीं से भी गुजर जाओ,
फर्राटेदार गाड़ी से गुजरो, चाहे बाइक से गुजरो, चाहे आप किसी भी ट्रेन में गुजरो, चाहे फ्लाइट में गुजरो, लोग आपको उस निगाहों से देखेंगे, बड़े सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, आदर के साथ आपको सैल्यूट करेंगे। और ये पावर और कहीं नहीं, नन अदर देन ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और वो भी आरसीएम बिजनेस के अंदर है। आप तैयार हैं? जो भी साथी तैयार हैं, तो अब मैं अगला आपको प्रोजेक्ट देने जा रहा हूं। क्या करना है, इसको प्लान ए बनाइए, इसको प्लान ए बनाइए। इस प्लान ए बनाकर हमारा एक प्रोजेक्ट प्लान कीजिए कि मुझे क्या फ्रेमवर्क करना है, किस तरह से इसको काम करना है, कितने साल में मुझे ये कमाना है, कितने महीनों में मुझे रॉयल्टी पे जाना है, कितने महीनों के बाद रॉयल्टी जाने के बाद मुझे किसको रॉयल्टी पर लाना है, पूरा प्रोजेक्ट बनाइए सर। एक शादी करते हैं एक बच्चे की, उसके लिए हम एक एक साल पहले से प्रोजेक्ट बनाने लग जाते हैं कि किसको बुलाना है, किस हलवाई से बुकिंग करनी है, कहाँ पे होटल बुक करना है, कहाँ पे रेस्टोरेंट बुक करना है, सारी व्यवस्थाएं कैटरिंग वालों को, यानी एक साल पहले से हमारी तैयारी हो जाती है। और जो इंडस्ट्री आपको लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, उस इंडस्ट्री के लिए आपका कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। सर, ये माइंड सेट को हटाना पड़ेगा, तभी आपकी ये इंडस्ट्री आपको कामयाबी पर लेके जाएगी। फ्रेमवर्क करिए, पर डे का फ्रेमवर्क होना चाहिए कि मैंने आज क्या किया है। अगर मेरी कमी है तो उस कमी को कल डबल पूरी करके मैं कवर करना ही करना है। और बीइंग ए प्रोफेशनल बनिए सर। ये इंडस्ट्री ऐसे लल्लू पंजू जैसे नहीं होती, इंडस्ट्री की वैल्यू आपके खुद के दम पर नजर आती है, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी, आपकी डेवलपमेंट, आपकी स्पोकन पावर, ये सारी चीजें आपको आपकी इंडस्ट्री की वर्थ, नेटवर्थ बताती है कि आप किस इंडस्ट्री में किस लेवल पर हैं। आप जाते हैं झोला छाप ठेला लेके निकल जाते हैं, शर्ट में आर निकल रही है, जूते की जगह चप्पल पहने, और बोले मैं रॉयल्टी अचीवर बनने जा रहा हूं, आप आइए मेरे साथ। कोई आएगा? कोई नहीं आने वाला है, वो आपको देखता है, भैया तेरी शक्ल सुधार ले फिर मेरे पास आइयो। इसलिए बीइंग ए प्रोफेशनल, अगर एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की ड्रेस कोड में ही डॉक्टर नजर आता है, वरना वो आम आदमी नजर आता है। और अगर एक लॉयर है तो लॉयर की ड्रेस कोड में वो नजर आता है, तभी उसको लॉयर माना जाता है, नहीं तो वो आम आदमी नजर आता है। अगर कोई चार्टर्ड है तो वो चार्टर्ड की ड्रेस कोड है उनकी, उसमें नजर आता है तो वो चार्टर्ड नजर आता है, नहीं तो वो आम आदमी नजर आता है। अरे किस किस को बोलूं, प्रधानमंत्री भी आप देख लीजिए, राष्ट्रपति देख लीजिए, जिसका काम क्या है, साल में दो बार बोलना, बाकी साइन करना, फिर भी जब भी बाहर निकलता है ड्रेस कोड में निकलता है। दोस्त, अगर वो ड्रेस कोड में रह के अपनी पर्सनालिटी बता सकते हैं कि ये राष्ट्रपति जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जा रहा है, ये पुलिस इंस्पेक्टर जा रहा है, ये एसपी जा रहा है, ये कलेक्टर जा रहा है, तो तब हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाखों रुपए कमाने के लिए आए हैं, तो क्या हम प्रोफेशनल तरीके से नहीं आ सकते? आना होगा, और उसके लिए हमें ट्रेनिंगें करनी पड़ेगी, ट्रेनिंगें लेनी भी पड़ेगी, और टीम की ट्रेनिंगें करनी भी पड़ेगी तब, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, एक दिन में नहीं समझाई जा सकती, इसको समझना पड़ेगा। उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़ी, अच्छी अच्छी किताबें, इतनी किताबें हैं अभी ऑनलाइन, आप प्ले स्टोर पर कुकू एफएम करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, कितनी सारी किताबें चाहिए आप उस पर पढ़िए, एक एक लेसन पढ़िए। टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ेगा। हम मैं बार बार कहता हूं कि एक मुट्ठी अगर किसी के पंच मार दो तो वो मुंह खून निकाल देती है, और अगर पांच अंगुलियां अलग करके मारो तो सिर्फ निशान छोड़ती है। आपको खून निकालना है या निशान छोड़ना है, ताकत आपको सोचनी है, आपको विचार करना है कि मुझे टीम वर्क में काम करना है, ताकत इसकी ज्यादा है या इस तरह इसके काम करना है, निर्णय आपका है। मेरा काम बताने का है, मैं बता रहा हूं, लेकिन लास्ट एंड फाइनल टॉपिक मेरा, क्लोजिंग करना सीखिए। अगर हम अपनी बैलेंस शीट नहीं बना रहे आरसीएम में, तो बहुत बड़ी खुद के साथ हम गलती कर रहे हैं, खुद के साथ हम लोग बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। हमारा बैलेंस शीट भी बनना चाहिए कि मैं एक साल में मैंने क्या कमाया और कितना खर्च किया, और अगर खर्चा ज्यादा है तो क्यों हो रहा है, और अगर खर्चा कम है और इनकम ज्यादा आ रही है, तो अब मैं टीम में कितने लोगों को कामयाब बनाऊं कि मेरी जैसी इनकम नीचे टीम में जाने लग जाए। पूरा क्लोजिंग करना सीखिए सर, पर डे क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, 15 दिन की क्लोजिंग, हाफ मंथ की, और मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, 6 मंथ क्लोजिंग, और ईयरली क्लोजिंग। पूरा ड्रीम सेट कीजिए सर, जब हम बिजनेस में बड़े काम कर पाएंगे। और ये तीन, ये सारी चीजें करके अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं और इसको प्लान ए बनाते हैं माइंड सेट करके, तो मैं दावे के साथ बात कर रहा हूँ, सुरेंद्र जी ने आपसे बोल रहा है, आपकी कामयाबी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है, आपकी कामयाबी सुरेंद्र जैन की जिम्मेदारी है, आपकी कामयाबी पूरे हिंदुस्तान में आपके ब्रांड का डंका बजाने की जिम्मेदारी सुरेंद्र जैन और उसकी पूरी टीम की है। लेकिन हमें काम टीम वर्क की तरह करना पड़ेगा।
आप लोग तैयार है? बस मैं इतनी सी बात करके मैं अपनी स्क्रीन शेयर को हटा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट वेबिनार पे लाइव आ रहा हूँ। आप तैयार है तो मुझे चैट में लिखिए यस आई एम।